खबर रीवा से है, जहां जिले से जितना ज्यादा खनिज निकल रहा है उतना सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि अवैध उत्खनन, जिसके चलते यहां शासन को नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों को क्रेशर प्लांट से निकलने वाले विषैले प्रदूषण से जीना दूभर हो गया है। ये मामला बनकुइया का है, जहां पर सैकड़ों अवैध खदानें और दर्जनों क्रेशर चल रहे हैं, जबकि प्रशासन अपनी आंखें बंद किया हुआ है, जिसका खामियाजा यहां के रहने वाले ग्रामीण उठा रहे हैं। रीवा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है बनकुइया सर्किल, जहाँ लोग अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहे हैं। क्रेशरों से होने वाले प्रदूषण से ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर काफी संख्या में क्रेशर और खदानें संचालित हैं। इनके द्वारा किसी भी प्रकार के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब जहां जिसकी इच्छा होती है पत्थर निकाल लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खनिज विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बावजूद यहाँ से मिलने वाली मोटी रकम से उनकी आंखें बंद हुई है। यही हाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। कार्यालय भवन में नियम कायदों की लिस्ट लगाकर विभाग अपनी जवाबदारी पूरी कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता। क्रेशर संचालक अपनी मनमानी करते हुए शासन को चूना लगा रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का है जो बरसों से अपना आसियाना बनाकर वहाँ रह रहे हैं। बस्ती के बीच संचालित क्रेशरों से निकलने वाली धूल रूपी जहर इनकी जिंदगी बेहाल कर रहा है और इन्हें सांस के साथ ही कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। बनकुइया क्षेत्र में क्रेशर को लेकर बहुत पुरानी समस्या है और इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने आवाज भी उठाई, जिले प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते क्रेशर आज भी चल रहे हैं और इसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस बारे में जब जिला कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की गई तो उनका कहना है कि खनिज और प्रदूषण विभाग को इस बारे में निर्देशित किया जाएगा कि वहां जाकर देखें कि क्या स्थिति है और अगर नियम विरुद्ध तरीके से काम हो रहा है तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। यह कहिए हाँ मिस्त्री के पटे देना, आज पाइप नहीं है, कर रॉड नहीं है, पर मिस्त्री झाड़े हो चला गया, पर वो कोशिश खत्म हो गई। हल ये बताएं बहाना। अरे यहाँ समस्या बहुत है सर, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, चारपाई में लेटने का मन नहीं पड़ता, इतनी धूल उड़ती है, यही समस्या है। गाड़ी वाहन इतना निकलते हैं कि रोड में बैठे तो कहीं टकरा देंगे, कहीं मार डालेंगे। यहाँ के विधायक है तो कोई सुन नहीं रहे हैं। हाँ अब मैं अकेली क्या करूं, ऐसे सब कोई जब जोर के करेंगे। सर मेरे गांव में आप लोग आए, इतने बड़ी खुशी है, कम से कम कोई मीडिया वाला मेरे गांव आया। सर मेरे गांव में इतनी परेशानी है कि चारों तरफ केसर है। मेरे पीछे साइड जाइए सुमेधा के, आगे साइड जाइए, चारों तरफ बनकुइया से आप अंदर आएंगे तो इतनी धूल केसर के कारण इतना प्रदूषण। एक तो रोड नहीं बनी, ऊपर से केसर का प्रदूषण। कोई आदमी आने में संकोच करता, मेरे रिलेशन वाले यदि आना चाहे तो बेचारे बनकुइया से डर के लौट जाते हैं। यहाँ की जो कि कोई भी प्रशासन, पता नहीं कितनी बार शिकायत भी की गई, आप यहाँ की रोड का मुआयना कर लीजिए, घर का मुआयना कर लीजिए, यहाँ छानिन देखिए तो एक परत कम से कम धूल जमी हुई है। पेड़ पौधे देखिए अमल्लक झुके जा रहे हैं धूल के कारण। यहाँ आदमी घर घर में पता करिए, यहाँ दमा टीवी के मरीज, ऐसा कोई घर होगा जहाँ टीवी ना हो। विधायक से आप लोग यहाँ सर कोई नहीं सुनता, कोई ना यहाँ विधायक भी, जब विधायक बन जाते हैं बनने के बाद उनका पता नहीं चलता। आज विधायक के पी भैया हो गए, पता नहीं कितने 2-3-4-5 साल हो गया। अभी हम लोग किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सुमेधा गाँव में कभी आए हो तो। ये गाँव कुइया है आपके, कुइया के अंदर के अपने धूल कचर लगी हुई है, पानी गिर रहा है, पानी की फुहारा कर नहीं रहे हैं, बोलते मैं फुहारा करवा रहे हैं, धूल नहीं उड़ने देंगे, छा छतरी बनवाए, कुछ नहीं करते। साले कचर चलवाते हैं, धूल उड़ता है, पानी में है, खाना में है, सभी उन्ना कपड़ा में, नात रिश्तेदार कोई आता है भाग जाता है, रुकते नहीं, कहते हैं धूल है। बोलते हैं कचर वाले के लिए, वो बोलते हैं मैं सब ना अपने पैसा सब जमा कर देते हैं तुम्हारे धूल के पैसा, ना कोई समस्या नहीं, कोई चीज़ की नहीं है। किस बीमारी से झेल रहे? बीमारी सब कुछ कहे ना, बीमारी तो सब में से, मैं छोड़ते देख लीजिए लड़का बच्चन के उम्र की हालत में है। अब धूल के कारण कुछ कहते नहीं है, आपके मैं क्या बताएं साहब।
अच्छा इतनी पता देख रही अपना खपड़ा बांस कौमे के हालत में है, अपने के बिरवा पौधा कौमे के हालत में है। नाम क्या आपका? सोनू साहू। धूल कहाँ से आती है? धूल कसर पलक ज्यादा भाई, कसर अपना के इंटरेस्ट जहाँ अपना जा अपना कसर है, कसर पाओ अपना। बीमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? बीमारी यहाँ है खाज खजूरी जो काम बुखार, अब इनका कोई देने नहीं दे रहा है। गरीब आदमी लग रहा है कि जा 500 रुपया ले रहा है एक आदमी को, आज अपना दवाई करवा लेंगे कल हम बीमार होंगे कहाँ दूसरे को कहाँ तक। तो फिर मछलियाँ अभी उसके धूल से गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, दमा के रोगी भी हैं, उसके लिए क्या? माइनिंग ऑफिसर और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम आदेशित करेंगे कि वो जाएं और उसको देखें कि जो पॉल्यूशन का कंटेंट है वो सीमा से ज़्यादा तो नहीं है, और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ठीक है।